नमस्कार न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की अपराधियों ने हत्या कर दी है। बदमाशों ने दरभंगा जिले में बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार इलाके में इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है, जिससे हड़कंप मच गया है। हैरान करने वाली बात है कि अपराधियों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या की है। दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के मुताबिक प्रथम दृष्टया चोरी का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस कई बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। ताजा अपडेट ये है कि दरभंगा डीआईजी बाबूराम घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। दरभंगा एसएसपी और एसआईटी टीम को लीड कर रही ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा भी घटना स्थल पर मौजूद है। एफएसएल एसआईटी और टेक्निकल टीम मामले की जाँच कर रही है। पटना से एफएसएल की टीम भी पहुंच रही है। दरभंगा एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने ये जानकारी दी कि जिस घर में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गई है, उस घर के पीछे से एक बक्सा भी बरामद किया गया है। हालांकि हो सकता है कि ध्यान भटकाने के लिए अपराधियों ने ऐसा किया हो। खून से लथपथ लाश को देखने से लग रहा है कि चाकू से गोद कर जीतन सहनी की हत्या की गई है। पेट और हाथ पर कई बार चाकू से वार किया गया है। हालांकि मर्डर वेपन पुलिस को नहीं मिला है। तो ये बड़ी घटना सामने आई आज दरभंगा से, जहां सुबह सवेरे गांव के लोगों को पता चलता है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। न्यूज 18 की टीम घटना स्थल पर मौजूद है। जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर ग्राउंड जीरो से इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं दरभंगा से न्यूज 18 संवाददाता विपिन दास। हम अभी पहुंच चुके हैं मुकेश सहनी जी के घर पर, और ये आपको दिखा दें कि ये उनका मकान है जहां उनके पिताजी जीतन सहनी का शव मिला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पे भीड़ जुट गया है, जहां ग्रामीण पूरे इकट्ठा हो गए हैं। इस घटनाक्रम जो है सबको चौंकाने वाला घटनाक्रम था। भारी संख्या में पुलिस बल पहुँच गई है, खुद SSP भी पहुँचे हुए हैं जगन्नाथ रेड्डी, और जो SIT की टीम गठित की गई है SP काम्या मिश्रा के नेतृत्व में, उनके द्वारा भी यहां पर पहुंच गया है और बैरिकेटिंग कर दिया गया है। जो मकान है उसके अंदर सब अभी भी है, उसके अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। खुद पुलिस जांच कर रही है, SIT की जो टीम है वो है, जिसके बाद FSL की टीम है। आप देख सकते हैं दूर, यदि आपको दिखाई पड़े तो एक बक्सा है जिसको ले जाके खेत में फेंक दिया गया था। उस बक्सा को पुलिस जो है अपने कब्जे में ले रही है। जो पहले बयान आया था कि चोरी की घटना है, वो कहीं ना कहीं दिखने को मिला है कि एक बक्सा खेत में मिला है जिसको पुलिस वापस ला रही है। और जो सब है उसकी भी FSL जो है जांच कर रही है। टेक्निकल की टीम जो है दरभंगा से यहाँ पहुँच गई है। भारी संख्या में पुलिस बल पहुँची हुई है। यहाँ लोग हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ये घटना की वजह क्या है। यहाँ पर कुछ स्थानीय हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनको कब सूचना मिली और क्या घटना है। कब सूचना मिली है? हम लोग को सुबह सुबह खबर मिला कि इस तरह का घटना हो गया। प्रथम देखने से तो लगता है मामला हत्या का है। अब अनुसंधान का विषय है, प्रशासन जांच करेंगे किस तरह से कैसे हुआ है। लग तो रहा है ऐसा कि हत्या हुआ है, एकदम निर्मम तरीके से चीर फार कर दिया गया है, पूरे शरीर को तहस नहस कर दिया गया है। एक बात पूछना चाहेंगे कि वो अकेले यहाँ रहते थे कि और उनके साथ कोई रहते थे, क्या था? यहाँ वो अकेले रहते थे, मंत्री जी आते जाते हैं यहाँ देख रेख के लिए, और लोग ना साथ में रहते हैं। उनके साथ कितने लोग थे जो देख रेख? यहाँ देख रेख में साथ में कौन कौन थे? ये काम करने वाले होंगे, ड्राइवर, किसान लोग थे। ड्राइवर त्राइवर नहीं उनके पास है, मतलब घरे पे रहते थे, अपना घर को देखते ही पूछते नहीं, घर है उनका, देख रेख यहाँ रहते। कैसे पता चला लोगों को? कब पता चला? लोगों को आज सुबह पता चला कि इस तरह का घटना हो गया। सामाजिक लोग थे, लोगों के बीच सुबह आते थे, बैठते थे, उठते थे, नहीं देखने पर आज पता चला कि हमरा को नहीं रखो है लगे तो पता चले। उन्हें हमरा को उन्हें घर छे ना तो ओतो से पता चले, बजे गेले जे हेबा मुकेश के पापा मर गेले तब पता चले। दरभंगा की ग्रामीण SP काम्या मिश्रा भी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। काम्या मिश्रा के नेतृत्व में SIT टीम का गठन किया गया है। इनकी टीम में बिरौल DSP और थानाध्यक्ष को रखा गया है। ग्रामीण SP काम्या मिश्रा से बात की है दरभंगा संवाददाता विपिन दास ने। जो प्रमुख बनाई गई हैं काम्या मिश्रा, खुद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, बहुत बड़ी घटना घटी है, क्या है?
जो घटना हुई है उसको जो है हम लोगों ने अभी क्राइम सीन को भी प्रोटेक्ट कर लिया गया है। सुबह को आज हमें इन्फॉर्मेशन मिला था और अभी जो है डॉग स्क्वाड की टीम आ गई, एफएसएल की टीम आ गई है, उनके द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी एसआईटी टीम के सारे मेंबर्स भी अलग अलग टीम डिवाइड होकर के लगे हुए हैं। कुछ जो घटनास्थल के ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, जो आसपास के सीसीटीवी और लोकल इनपुट के गैदरिंग में काम कर रहे हैं, तो सारे एंगल्स को हम लोगों के द्वारा कवर किया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। मैडम ये अकेले जा रहे थे? ये अकेले ही रह रहे थे, अकेले जैसा सुनने को पता लगा नहीं। सुबह को कुछ खाने बनाने के लिए लोग आते थे, जो दूध वगैरह देने के लिए लोग आते थे वो लोग आते थे, लेकिन ये मुख्यतः अकेले रह करते थे। और गश्ती जब होती थी तो उस टाइम पर यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग ध्यान भी दिया करते थे, जब भी होता था SHO वगैरह आकर के मिलते भी थे, बट है बाकी जैसे जो अपडेट होता आपको दे दी जी। अभी अभी सारे लोगों से, इवेंचुअली उनके परिजनों से, जिनको भी बॉडी जिन्होंने पहली बार देखा है और जो भी इसके रिलेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनके परिजनों वगैरह सबसे हम लोग कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करें और बात की जा रही है। जो मैडम थी उन्होंने कहा कि जो उनके साथ थे, जो खाना बनाने वाले थे, जो यहाँ आया जाया करते थे, दूध देने आते थे, जो अन्य लोग भी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और ये पुलिस तफ्तीश में शामिल है। देखना है कि आगे क्या खुलासा निकल के सामने आता है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है ये आपको बता देते हैं। मुकेश सहनी के पिता चेतन सहनी की हत्या की गई है। सुबह 8:10 की अगर बात करें तो हत्या की खबर मिली और ये हत्या की खबर पहले आसपास के लोगों तक पहुंची जब वो घर के अंदर दाखिल हुए। बता दें कि इस हत्याकांड की जैसे ही खबर मिली हड़कंप मच गया और मौके पर बिरौल थाने से पुलिस की टीम हत्या की खबर के बाद से पहुंच गई। जब 8:30 का वक्त हुआ तो DSP मनीष चंद्र चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे। 9:00 हत्याकांड को लेकर के SIT गठित की गई। SSP जगुनाथ रेड्डी के निर्देश पर SIT का गठन किया गया है। ग्रामीण SP के नेतृत्व में स्पेशल टीम बनाई गई है जो इस मामले की जांच कर रही है। SIT में बिरौल SDPO और थाना प्रभारी भी शामिल है। इसके साथ साथ FSL की टीम भी जांच के लिए पहुंची है। मुकेश सहनी के घर परिवहन मंत्री शीला मंडल भी पहुंची और इस घटना की जानकारी उन्होंने ली है। जीतन सहनी की हत्या मामले में सीएम नीतीश ने दुख जताया है। जीतन सहनी की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जाहिर की है। सीएम ने मुकेश सहनी से फोन पर बातचीत भी की है। DGP को एक्शन के निर्देश भी सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। हत्यारे पर जल्द कार्रवाई का निर्देश सीएम नीतीश कुमार ने दिया है। तो देखिए लगातार सरकार प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जीतन सहनी की हत्या मामले को लेकर के सीएम नीतीश ने दुख जताया है। मुकेश सहनी से बातचीत उन्होंने की है। इसके साथ साथ DGP को एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं और हत्यारे पर जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया है। और मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ADG जितेंद्र गंगवार का बड़ा बयान सामने आ गया है। वारदात काफी संवेदनशील है, पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। SSP DIG घटनास्थल पर मौजूद हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। FSL डॉग स्क्वायर की टीम रवाना किया गया है। पटना से CF की टीम रवाना हुई है। साथ ही यह भी कहा गया है ADG की तरफ से कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हत्याकांड की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस टीम पूरी जानकारी जुटा रही है। तो दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या की कर दी गई। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने कड़ी निंदा की है और पुलिस से पूरे मामले की जड़ जाकर जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही आनंद माधव ने इसके लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है कि किस तरह से खुले रूप में नंगा नाच कर रहे हैं यहाँ के अपराधी। अपराध और अपराधियों की सरकार बनी हुई है जिसके कारण ये स्थिति हो रही है। कहीं नियंत्रण नहीं है। जब मुकेश सहनी के पिता सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कहाँ से सुरक्षित हो सकते हैं, ये समझने की बात है। एक नेता जिसके पिताजी गांव में रहते हैं उसको सुरक्षा नहीं मिल पाई। अपराध चरम पर है। मुख्यमंत्री जी आंखें खोलिए और गद्दी के अलावा इन सब चीज़ों पर भी ध्यान।
बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर दुख जताया है और राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। खुद है और इस तरह का जो लोग कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर जिले में इस तरह की हत्या हो रही है और हत्या एकदम आम बात हो गई है और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। आम तो आम सर, खास के व्यक्तियों के साथ नहीं, आम का हो खास का हो, किसी की भी हत्या हत्या है और इसको इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी वारदात की निंदा की है। राजू तिवारी ने कहा कि सरकार जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के पिता जीतन सहनी जी की हत्या का खबर आज प्रकाश में आया है। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दुख प्रकट करती है, संवेदना उनके परिवार के साथ रखती है और सरकार निश्चित रूप से इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। दोषी बक्से नहीं जाएंगे, सबको जल्द से जल्द उनके इस घटना जो करने वाले लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी सरकार। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जो मरे हैं उनका हत्या हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है, उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले पर सांसद मनोज झा ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार में न कानून है और न ही व्यवस्था। कि ये घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने कहा है कि हम एसआईटी बनाएंगे, हमारी तो मांग है कि जितनी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और सजा ऐसी मिले कि दुनिया याद रखे। पहले तो मुकेश जी और उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे, लेकिन ये प्रमाण पत्र है बिहार की सरकार को कि न कानून है न व्यवस्था है। रिटोरिकल स्टेटमेंट आप कुछ भी दे दीजिए कि फलाना हो जाएगा चिलाना, ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से आए दिन ये खबरें ना आती हों। जाहिर तौर पर इसका मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। किसी जिले में दुष्कर्म का मामला, किसी जिले में हत्या का मामला, किसी जिले में आगजनी का मामला, तो ये साबित करता है कि बिहार में 1% भी सरकार नाम की चीज नहीं है। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या मामले को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कड़ी निंदा की है और कहा कि जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो देखिए, मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और इस हत्याकांड के बाद से लगातार जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। विपक्ष की तरफ लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो भी हत्यारे होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। टोल बाजार में जिस तरह मुकेश सहनी जी के पिताजी जीतन सहनी जी की हत्या हुई है ये दुखद है। दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, पूरा बिहार उनके साथ है। इसमें जो भी अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, एसआईटी बनी है और इस दुख की घड़ी में अपील भी है राजनीतिक दल से कि कम से कम इस पर राजनीति न करे। एक राजनेता के पिता की हत्या हुई है, इसमें सब लोगों को बराबर दुख है और जो लोग इसमें शामिल हैं उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए इकट्ठे और एकजुट होकर इसमें अपराध और अपराधियों से लड़ना है। नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपराध और अपराधियों से समझौता न किया है न वो करेंगे। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि बिहार की विधि व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, कभी भी किसी मंत्री की हत्या हो सकती है, कहीं भी कोई कानून व्यवस्था नहीं है। से बिहार की कानून व्यवस्था
दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भारपूर्ण स्थिति है। सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है कानून व्यवस्था पर। पता नहीं सरकार अदृश्य शक्ति कौन चला रहा है। सभी लोग जानते हैं कि जो आज स्थिति और परिस्थिति बिहार में उत्पन्न है, कभी भी किसी की हत्या हो सकती है। जब आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े घर में घुसकर किसी का निशंग हत्या हो जा रहा है, तो लाइन ऑर्डर में बचा क्या। और देखिए इस बीच खबर है जीतन सैनी की हत्या मामले में। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो जीतन सैनी की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जाहिर की है। साथ ही साथ सीएम ने मुकेश सैनी से फोन पर बातचीत की है, पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली है और उसके साथ डीजीपी को एक्शन का भी निर्देश सीएम ने दिया है। हत्यारे पर कार्रवाई का निर्देश सीएम की तरफ से दिया गया, यानी कि सरकार प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है कि जो हत्यारे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। तो देखिए जीतन सैनी की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। इसके साथ साथ सीएम ने मुकेश सैनी से फोन पर बातचीत की है। मुकेश सैनी की अगर बात करें तो वो मुंबई में थे जब ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी के अपडेट की अगर बात करें तो कार्रवाई कितनी आगे अब तक बढ़ पाई है, पटना से क्या अपडेट है? देखिए, जैसे ही घटना की सूचना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिली, उन्होंने मुकेश सहनी को फोन किया और उनसे बातचीत की। साथ ही साथ डीजीपी को इस पर जल्द कार्रवाई करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। और खास तौर पर यदि हम घटना की बात करें तो उसके बाद से पुलिस लगातार जांच कर रही है। एक लॉकर भी मिला है, जो लॉकर संभवतः मुकेश सहनी के घर में था और उसे जो लोग जो हत्यारे वहाँ पर आए थे वो लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन वो लॉकर उनके घर के पीछे से बरामद हुआ है। वजन काफ़ी हो जाने के वजह से संभवतः जो हत्यारे थे वो लेके नहीं जा सके। तो कई बिंदुओं पर इस वक्त जांच चल रही है। लूट और चोरी की वारदात के एंगल से भी पुलिस इसे इस मामले की तफ्तीश कर रही है। दूसरी ओर आपसी रंजिश और तमाम तरीके की जो बातें हो सकती हैं उसको लेकर के भी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। खास बात यह है कि मुकेश सैनी चूंकि एक बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी पिता की हत्या हुई है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे बिहार में इस वक्त सनसनी जैसा माहौल है। हर लोग यह जानना चाहता है कि आखिर उनके पिता के हत्यारे कौन थे, कैसे हत्या को अंजाम दिया, कैसे इस विभत्स घटना को हत्यारों ने अंजाम दिया है। और उसके बाद से सियासत भी बिहार की तेज हो चुकी है। जो विपक्ष है वो सरकार पर कई तरीके के आरोप लगा रही है और दूसरी ओर सरकार की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चीज़ों को देख रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिर क्या अभी तक जाँच में निकल करके सामने आई है बातें। डीजीपी से भी को भी उन्होंने निर्देश दिया है। उसके साथ ही भाजपा के भी तमाम नेता, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात कर लें तो उन्होंने भी बयान जारी किया है कि कार्रवाई होगी और दोषी वक्त से नहीं जाएंगे। तो ये दौर बिहार में इस वक्त चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का और सरकार कार्रवाई की फिलहाल दुहाई देते नजर आ रही है। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी इस मामले को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जो भी दोषी हों उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसके लिए लगातार पुलिस के द्वारा भी छापेमारी फिलहाल की जा रही है। एसआईटी का टीम भी गठन कर दिया गया है लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी है। जी, मुकेश सहनी की अगर बात करें तो मुकेश सहनी के कब तक पटना दरभंगा पहुंचने की संभावना, उनसे कुछ बातचीत या फिर उनके प्रवक्ताओं से कुछ बातचीत हो पाई है? देखिए, मुकेश सहनी मुंबई में है और मुंबई से सुबह ही वो दरभंगा पहुंचने वाले थे। हालांकि कोई सीधी फ्लाइट नहीं मिल रही थी जिसके वजह से यह चर्चा था कि मुकेश सहनी विशेष विमान से भी आ सकते हैं। जो उनके पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई उनके अनुसार मुकेश सहनी थोड़ी देर के बाद दरभंगा पहुंचने ही वाले होंगे, चूंकि विशेष विमान से उन्हें आना था और सीधे दरभंगा वो जाएंगे। और पार्टी के जो उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग दरभंगा ऑलरेडी जा चुके हैं सुबह से ही। जो पार्टी के नेता जो पटना में थे या फिर परिवार के जो अन्य सदस्य थे वो भी जो पटना में थे दरभंगा पहुंच चुके हैं। और ख़ास तौर पर बिहार सरकार के तरफ से भी जो मंत्री शीला मंडल हैं और भी अन्य जो NDA के नेता हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जाँच की बात की जा रही है, कार्रवाई की बात अब की जा रही है। और दूसरी ओर FSL की टीम और SIT के द्वारा भी घटनास्थल पर जाँच की जा रही है। SIT के जो टीम है उनका दावा है कि कई जगह छापेमारी और तमाम चीज़ें भी
भी की जा रही है, तो कुछ इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा कहा जा सकता है कि मामला हाथ लगा है, कि जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता की हत्या की जाती हो, और ख़ास तौर पर जो हत्या का जो तरीका है, जिस विभत तरीके से उनकी हत्या की गई है, इस पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि इतने बुरी तरीके से उनकी हत्या की गई। वो वहाँ अकेले रहते थे, दिन में किनसे उनकी मुलाकात हुई, फ़ोन पर किनसे बातचीत हुई, गांव में क्या कोई आपसी रंजिश, और तमाम बिंदुओं पर इस वक्त पुलिस जांच कर रही है, और बिहार में इसी मामले को लेकर के सियासी पारा गर्म भी है। बिल्कुल, और जिस दो बॉक्सेस की बात हो रही कि उस बॉक्स में काफ़ी वजन है, या फिर अभी बात करें अगर फ़ोन की, तो क्या कुछ उसके कॉल डिटेल्स वगैरह की तरफ भी आगे पुलिस बढ़ रही है? देखिए, पुलिस अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, चूंकि जांच अभी चल रही है पुलिस की, और जो बॉक्स मिले हैं वो एक बॉक्स देखने में लॉकर के जैसा लग रहा है, चूंकि उसका वजन काफ़ी होता है, तो जो लोग उसे ले जाना चाह रहे थे, जो अपराधी, वो ले के जा नहीं सके, इसलिए वो कहीं पर उसे रास्ते में ही उन्होंने छोड़ दिया घर के पीछे में, वो भी बरामद किया गया। तो तमाम पहलुओं की फिलहाल जाँच इस वक्त की जा रही है। दरभंगा में जो SIT की टीम है, FSL की टीम है, वो वहाँ पर लगातार मौजूद है, और हर एक बिंदुओं पर किनसे बात हुई, घर में कौन कौन लोग थे। चलिए बिल्कुल शैलेंद्र, आप इस पूरी घटनाक्रम पर अपडेट पर नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जीतन सहनी की हत्या पर JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दुख जताया है। सोशल साइट पर संजय झा ने लिखा, VIP के प्रमुख बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री मुकेश सहनी जी के पिता श्रद्धेय जीतन सहनी जी की हत्या अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। हम सभी की संवेदना उनके शोकाकुल परिजनों के साथ है। मुझे विश्वास है बिहार पुलिस दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्परता से काम करेगी। ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने तथा परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। तो देखिए, लगातार जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया, फोन से बातचीत भी की मुकेश सहनी से, और अब संजय कुमार झा का ये पोस्ट सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि हम सभी की संवेदना शोकाकुल परिवार के साथ है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी भरोसा दिया है कि जो बिहार पुलिस है वो दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्परता से काम करेगी। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।